फ्रांस खत्ते में बदमाशी ना करे, तुर्की ने खबरदार कर दिया। यूनान की जानिब से बहिरे रोम में इत्तेहादी ममालिक के साथ जारी जंगी मशकों के बाद बहरी मशकों के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है। यूनान ने एक रोज कबल फ्रांस, इटली और कब्रस के साथ मशरकी बहरे रोम में फौजी मशकों का आगाज किया था, जिस पर तुर्की ने यूनान को खबरदार किया था कि वो ऐसे इकदामात करने से बाज रहे जो इसकी बर्बादी का बाइस बने। फ्रांस यूरोपियन यूनियन के ताकतवर कैंप में यूनान की हिमायत की कयादत कर रहा है। फ्रांसीसी फ्रगेट और लड़ाका तैयारे गुज़िश्ता रोज यूनानी जंगी मशकों में शामिल हुए, जबकि इटली और कब्रस भी इन मशकों में शामिल है। दूसरी जानिब अंकरा की जानिब से फ्रांस पर भी खित्ते में बदमाशी करने का इल्जाम लगाया गया। कशीदगी में फ्रांस की मदाखलत पर तुर्की परेशानी का शिकार है। तुर्क वजीर दिफा ने पेरिस की जानिब इशारा करते हुए कहा कि बदमाशी का दौर गुजर चुका, आप हमें ध्वंस के जरिए इकदाम करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। तुर्की के वजीर दिफा होलोसी आकार ने कहा कि ये मशकें सलामती से मुतालिक हैं और इनका समंदर से गैस की तलाश के हवाले से बराहे रास्त कोई भी ताल्लुक नहीं। उन्होंने खत्ते में फ्रांसीसी फौज की मौजूदगी के बारे में कहा कि तुर्क मुसल्ला अफवाज की सरगर्मियों को रोकने या तब्दील करने के बारे में सोचना ख्वाब के अलावा कुछ भी नहीं। तुर्क बहरिया का कहना है कि वो बहरे रोम में अपनी हदूद के आखिरी किनारे के पानियों में तोपों से जंगी मशकें करेंगे।